फ्री इलाज कौन दे सकता है? फ्री बिजली कौन दे सकता है? फ्री पानी कौन दे सकता है? और आपके नौजवानों को रोजगार कौन दे सकता है? वो पहले हरियाणा के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का इंतजाम करेगी, अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे, फ्री बिजली दिया जाएगा, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के हाथ में रिमोट कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हरियाणा के नौजवानों के साथ विश्वासघात किया है। भारत माता के रक्षा के लिए जो हमारी सेना बनी उसको सेना को ठेके पे रख दिया। हम सेना को ठेके से मुक्त कराएंगे और अपनी वीर योजना को समाप्त कराएंगे। भाजपा के दिमाग पे जो सत्ता का भूत चढ़ा है, झाड़ू मार मार के इनका भूत उतार दे। आपने हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का ये झंडा उठाया है। अब हम सब की जिम्मेदारी है 5 अक्टूबर को जब हरियाणा के चुनाव का बक्सा खुले तो ये फैसला दे देना हरियाणा वालों कि इस बार आपके लाल आपके बेटे अरविंद केजरीवाल के बगैर हरियाणा में कोई सरकार नहीं बनेगी। रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरविंद केजरीवाल के हाथ में रिमोट कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर केजरीवाल के हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा तो उसका फायदा क्या है? आपके बच्चों को अच्छा स्कूल कौन दे सकता है? जोर से बोलिए। फ्री इलाज कौन दे सकता है? फ्री बिजली कौन दे सकता है? फ्री पानी कौन दे सकता है? और आपके नौजवानों को रोजगार कौन दे सकता है? अरे वही आपका बेटा, आपका लाल, वही हरियाणा का लाल केजरीवाल। अगर आपने उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल दे दिया तो जो भी सरकार चलेगी वो पहले हरियाणा के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का इंतजाम करेगी, अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे, फ्री बिजली दिया जाएगा, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा मेजर देसवाल जी के शहीद का एक बोर्ड लगा है। हरियाणा की यही पहचान है मेरे दोस्तों और भाइयों। हरियाणा के गांव गांव में चले जाइए, हर शहर हर जिले में जाइए, किसी न किसी शहीद का बोर्ड लगा रहता है, किसी न किसी शहीद का नाम का गेट बना रहता है। उसने भारत माता के लिए अपनी कुर्बानी दी है, पाकिस्तान से लड़के अपनी कुर्बानी दी है, भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है, चीन के युद्ध में अपनी कुर्बानी दी है, कारगिल के युद्ध में अपनी कुर्बानी दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हरियाणा के नौजवानों के साथ विश्वासघात किया है। भारत माता के रक्षा के लिए जो हमारी सेना बनी उसको सेना को ठेके पे रख दिया। हम सेना को ठेके से मुक्त कराएंगे और अपनी वीर योजना को समाप्त कराएंगे। बोलो, तैयार हो? तैयार हो केजरीवाल के साथ मिलकर लड़ने के लिए? और याद रखना, अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिनको 3 बार दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। पहली बार मुख्यमंत्री बनाया वो सुनो कि सिद्धांतों की बात आई तो 49 दिन की सरकार से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ के निकल दिए। वो है अरविंद केजरीवाल। आपका बेटा, आपका लाल अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिसने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को छोड़ दिया और जब उसकी ईमानदारी पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सवाल उठाया, बार बार सवाल उठाया, केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की, तो जेल से आने के बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और बोले दिल्ली की जनता जब ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी तब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। और मैं हरियाणा के लोगों आपसे बताने के लिए आया हूँ, दिल्ली के लोग तो तैयार हैं, चुनाव होगा तो 70 में से 70 सीटें देके केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब आपसे एक ही विनती है,
और आपकी सरकार का रिमोट कंट्रोल केजरीवाल को दे। तैयार हो सब लोग, तैयार हो। और आपके भाई महेंद्र सिंह दहिया का चुनाव निशान क्या है? मैंने हमारी लड़की खड़ी हुई है, क्या है ये? क्या है? हाथ उठा के बताओ। झाड़ू, ये झाड़ू बहुत काम की चीज है। गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और झज्जर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और हरियाणा की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो 5 तारीख को भाजपा के दिमाग पे जो सत्ता का भूत सवार है, झाड़ू मार मार के मार मार के मार मार के इनका भूत उतार दे। उतारोगे नहीं उतारोगे बताओ? उतारोगे कि नहीं उतारोगे बताओ? तैयार हो सब लोग? तो मैं केजरीवाल जी को जाके बताता हूँ कि हरियाणा के लोग इस बार आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल देंगे। अपनी गारंटी की जिम्मेदारी आपकी और आम आदमी पार्टी की है। जो भी सरकार हरियाणा में बनेगी वो आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी। जो भी सरकार हरियाणा में बनेगी वो अरविंद केजरीवाल के समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। और अरविंद केजरीवाल के समर्थन से अगर सरकार बनेगी तो हरियाणा के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल होंगे। खट्टर ने 300 स्कूल बंद किया, अरविंद केजरीवाल 3000 नए स्कूल आपके लिए बनवाए। बिजली फ्री देने का काम करेंगे, शिक्षा फ्री इलाज फ्री देने का काम करेंगे। आपको अपनी जिम्मेदारी निभाना है। अरविंद केजरीवाल झाड़ू और आम आदमी पार्टी को और हमारे भाई महेंद्र सिंह दहिया जी को आपको जिताना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।